Our next topic is decubitus ulcer, which is also called as a pressure show. Introduction: decubitus ulcer, also known as pressure sores or decubit. Decubit normally जो word है posture या position बताता है which is assumed by the patient when lying down, है ना. जब person लेटा हुआ होता है तो वो जो position acquire करता है that is decubit, और जब उस time पे ulcer formation हो जाए that is decubitus ulcer. तो decubit are ulcerated or sludged area of tissue. Sludged These are the sludged area of tissue. Sludged area are the shed or removed area. ठीक है, कि जो टिश्यू है वो shed off हो जाएंगे या वहां पे hole हो जाएगा, depression हो जाएगा, subjected to pressure from lying down. जब person lying down position में होता है या जैसे कि chair के ऊपर बैठा हुआ है काफी time तक, तो जो pressure होगा mainly on the pressure point, जो bony prominences होते हैं उस एरिया में टिश्यूज शेड ऑफ हो जाएंगे और होल हो जाएगा. ऑन मैट्रेस और सिटिंग ऑन द चेयर फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टिंग इन स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन एंड फाइनली डेथ ऑफ द टिश्यू. तो ये डेकुपिटस अल्सर क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू दैट एरिया विच मे लीड टू द डेथ ऑफ द टिश्यू ऑफ दैट एरिया. After that, the definition of pressure sore is an ischemic necrosis. Ischemia का मतलब क्या है? Deficit blood supply, ठीक है, to any body part, which may lead to necrosis, death of the tissue and ulceration of the tissue. और वहां पे sore formation हो जाएगी, ulcer formation हो जाएगी, overlying a bony prominence. Mainly कहाँ पे होती है? जो bony prominences होते हैं, because bones का pressure की वजह से जो भी adipose tissue है उनके ऊपर pressure पड़ेगा, which may lead to decreased blood supply and lead to the tissue necrosis. That has been subjected to a prolonged pressure against an external object, है ना, जैसे कि bed है, wheelchair, car. इसकी वजह से प्रोलॉन्ग प्रेशर पड़ेगा जो बोनी प्रोमिनेंसेस है उनका. आफ्टर दैट द स्टेजेस ऑफ डेक्यूपिटस अल्सर. द स्टेजेस ऑफ डेक्यूपिटस अल्सर आर स्टेज 1, 2, 3 और मेनली 4. ठीक है, इन स्टेज 1 द स्किन इज इंटैक्ट होती है, कोई स्किन ब्रेकडाउन नहीं है, बट एरिथमेटस होगी, रेडनेस हो जाएगी एंड डज नॉट ब्लैंच. ब्लैंच का मतलब होता है डिसकलरेशन, मतलब पेल कलर नहीं होगा. स्किन में भी फर्म और वॉर्म, है ना. स्किन कैसी हो सकती है? फर्म हो सकती है, मतलब स्ट्रांग होगी, हार्ड होगी, वॉर्म, कूल, टू टच, पेनफुल हो सकती है, इची हो सकती है. इंडिकेटर इन डार्कर स्किन, अब जिसकी स्किन डार्क है ना, स्किन डार्क स्किन में क्या इंडिकेटर है? डार्क रेड, ब्लू, पर्पल एरिया होगा, वार्म होगा वो एरिया, एडिमा प्रेजेंट हो सकता है, इंड्यूरेशन में ऑल्सो भी प्रेजेंट. इंड्यूरेशन इज द लोकलाइज हार्डनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू. नॉर्मली वो टिश्यू कैसे है? सॉफ्ट है, बट जब वो उनकी हार्डनिंग हो जाएगी, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूरेशन. After that stage 2 में superficial ulceration of the skin, mainly जो dermis और epidermis, both the layer, either one or both the layer are involved, appearing as an abrasion. Abrasion का मतलब क्या होता है? जैसे रगड़ लगती है ना, उस टाइप का वो एरिया हो जाता है. Abrasion is a damage to the surface caused by rubbing something very hard. ठीक है, जब कोई चीज रब करते हैं स्किन के ऊपर तो स्किन में क्या हो जाता है? रगड़ लगती है, दैट इज कॉल्ड एज एब्रेशन. और ब्लिस्टर हो सकता है. ब्लिस्टर इज अ फ्लूइड फिल्ड सैक विच इज पेनफुल. इट इज प्रेजेंट ऑन द स्किन एंड पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होगा. डर्मिस और एपिडर्मिस, ये बोथ द लेयर्स आर इन्वॉल्व. आफ्टर दैट स्टेज 3 अ डीप क्रैटर. क्रैटर का मतलब होता है होल, कि एक डीप होल स्किन में हो जाएगा. फुल थिकनेस लॉस ऑफ स्किन टिश्यू, ऑल्सो इन्वॉल्व सबक्यूटेनियस टिश्यू डाउन टू द फेशिया. ठीक है, इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं. आफ्टर दैट स्टेज 4 फुल थिकनेस स्किन लॉस विद डैमेज टू, इसमें बोन्स, मसल, टेंडन और ज्वाइंट कैप्सूल आर ऑल्सो इन्वॉल्व. आफ्टर दैट
नॉन एब्जॉर्बेबल मतलब जिसको ऑब्जर्व ना किया जा सके, कवर्ड विद अ ड्रेसिंग और ऑर्थोपेडिक डिवाइस, कार और स्लज कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड. After that, these are the stages, then the risk factor of pressure ulcer. क्या risk factor है? The patient with altered physical mobility, जो person movement नहीं कर सकता, they are at increased risk of developing pressure sores. Factor responsible for impaired physical mobility. अब कौन सा ऐसे factor है जो person में physical mobility नहीं करवाएंगे ना? किस वजह से person physical mobility नहीं करेगा? जैसे कि इम्पेयर सेंसरी इनपुट की जो पर्सन के सेंसेस हैं वो इम्पेयर हो गए, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं. पेशेंट विद अल्टर सेंसरी परसेप्शन फॉर पेन एंड प्रेशर आर मोर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग प्रेशर सोर्स. ठीक है, अगर पर्सन का जो सेंसरी परसेप्शन है पेन के लिए है ना, कि पर्सन काफी देर से एक ही पोजिशन में बैठा है बट पर्सन को क्या हो रहा है, पेन सेंसेशन नहीं हो रहा है, तो पर्सन को सोर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैरालाइज पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट एक्सेट्रा. आफ्टर दैट इम्पेयर्ड मोटर फंक्शन, पेशेंट हु आर अनेबल टू चेंज पोजिशन इंडिपेंडेंटली. है ना, मोटर फंक्शन इम्पेयर हो, अगर पर्सन मूवमेंट ना कर पाए, ठीक है, अपनी मोटर एक्टिविटी ना कर पाए, दे कैन फील द एक्सेसिव प्रेशर. उनको प्रेशर तो फील होगा बट दे आर अनेबल टू चेंज द पोजिशन, है ना, क्योंकि उनकी मोटर फंक्शन क्या हो गए, इम्पेयर हो गए एंड रिलीव प्रेशर इंडिपेंडेंटली. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मतलब उनके सेंस ऑर्गन्स तो ठीक है, सेंसरी परसेप्शन ठीक है बट इसमें मोटर परसेप्शन अफेक्टेड है. आफ्टर दैट इम्पेयर्ड मोटर फंक्शन सेम, ठीक है, अल्टरेशन इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. पेशेंट हु आर कंफ्यूज डिसओरिएंटेड और हैव चेंजिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, जो डिसओरिएंटेड पर्सन है उसमें भी प्रेशर अल्सर होने के चांसेस हैं. कंफ्यूज और डिसओरिएंटेड पेशेंट मे बी एबल टू फील द प्रेशर बट मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिलीव इट. अब जो कन्फ्यूज है डिसओरिएंटेड पर्सन है उसको पता तो चल रहा है कि प्रेशर है किसी पार्ट पे बट वो उसको ये नहीं पता है कि इस प्रेशर को कैसे रिड्यूस करना है. पेशेंट इन अ स्टेट ऑफ कोमा मे नॉट परसीव प्रेशर एंड आर अनेबल टू मूव इन टू द मोर प्रोटेक्टिव पोजिशन, है ना, जो कोमा में है उसको ना तो प्रेशर का पता चलेगा ना पोजिशन चेंज करने का. पेशेंट हुज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज मे इजिली बिकम कन्फ्यूज्ड. आफ्टर दैट पेशेंट विद कास्ट एंड ट्रैक्शन, जिसको ट्रैक्शन लगा है या कास्ट लगा है, दिस रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट, है ना, जिसको प्लास्टर लगा हुआ है या ट्रैक्शन लगा है तो उस पर्सन की मोबिलिटी कम हो जाएगी एक्सट्रीमिटी की, विच मे लीड टू प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन एंड मोर बिकॉज एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ कास्ट रबिंग अगेंस्ट द स्किन, है ना, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है कास्ट की या तो ट्रैक्शन की है ना, उसकी वजह से स्किन के ऊपर रबिंग होगी विच मे लीड टू प्रेशर सोर्स. आफ्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, इट इंक्लूड शेयरिंग फोर्स, है ना, अगर पर्सन को रीपोजिशन करना है, उसकी पोजिशन चेंज करनी है तो उस टाइम पे पर्सन को क्या पुल किया जाता है ना, खींचा जाता है बेड के ऊपर ही, तो विच मे लीड टू जो भी टिश्यूज है या स्किन है वो भी जो जब पर्सन को पुल करेंगे खींचेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो बेड सरफेस के साथ एडेयर कर जाएंगे, ठीक है, विच में कॉज फ्रिक्शन एंड द प्रेशर सोर्स. आफ्टर दैट मॉइस्चर, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑन द स्किन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ अल्सर फॉर्मेशन. मॉइस्चर रिड्यूसेस द स्किन रेजिस्टेंस टू फिजिकल फैक्टर्स सच एज प्रेशर और शेयरिंग फोर्स. The change in ulcer formation also increases the duration of exposure to the moisture. अगर moisture present होगा also microorganism can grow at that area. After that poor nutrition, patient with poor nutrition often experience serious muscle atrophy or decrease in subcutaneous tissue. है ना, जो खाना अच्छे से नहीं खाते हैं उनकी जो muscles हैं atrophy हो जाएगी, उनका size कम हो जाएगा और subcutaneous tissue also decrease in size. Then because of these changes less tissue is present, कम टिश्यू प्रेजेंट होंगे, कम पैडिंग प्रेजेंट होगी, एडिपोज टिश्यू कम होंगे, जिस वजह से स्किन और बोन का जो
स्पेस है वो कम हो जाएगा एंड देयर इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर आर इंक्रीज ऑन द रिमेनिंग टिश्यू. तो बोन का प्रेशर स्किन के ऊपर ज्यादा पड़ेगा. आफ्टर दैट ओडीमा. ओडीमा इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर इन द अफेक्टेड टिश्यू. ब्लड सप्लाई टू द एडिमेटस टिश्यू इज डिक्रीज. ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी. वेस्ट प्रोडक्ट रिमेन बिकॉज द चेंजिंग प्रेशर इन द कैपिलरी सर्कुलेशन एंड द कैपिलरी बेड. है ना, जब सर्कुलेशन कम हो जाएगी तो प्रेशर अल्सर के ज्यादा चांसेस है. आफ्टर दैट एनीमिया. एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम होगा जिस वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं बॉडी पार्ट्स में सप्लाई नहीं हो पाएगा. एंड एनीमिया ऑल्सो अल्टर सेलुलर मेटाबोलिज्म एंड इम्पेयर बोन हीलिंग. है ना, और उस एरिया में अल्सर फॉर्मेशन होगा और वुंड हीलिंग नहीं हो पाएगी. दीज आर सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर. आफ्टर दैट इन्फेक्शन एंड फीवर. अगर इन्फेक्शन और फीवर है तो जो पैथोजन है दे एंटर इन टू द बॉडी एंड द पेशेंट विद द इन्फेक्शन यूजली हैज फीवर. इन्फेक्शन एंड फीवर इंक्रीजेस क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देंगे और जो भी ऑलरेडी हाइपोक्सिक टिश्यू है दे बिकम मोर हाइपोक्सिक. उनको और ज्यादा हाइपोक्सिया हो जाएगा. इन एडिशन फीवर रिजल्ट इन डायफोरेसिस. डायफोरेसिस का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग. जब फीवर होता है तो एक्सेसिव स्वेटिंग होगी विच में लीड टू स्किन मॉइस्चर. मॉइस्चर में लीड टू द प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन. आफ्टर दैट इम्पेयर पेरिफेरल सर्कुलेशन. ठीक है, विद इम्पेयर पेरिफेरल सर्कुलेशन द टिश्यू बिकम हाइपोक्सिक. जब पेरिफेरल एरिया में सर्कुलेशन नहीं जा पाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर अल्सर हो सकता है. ओबेसिटी, अगर एक्सेसिव फैट है, ठीक है, एक्सेसिव एडिपोज टिश्यू है तो विच में लीड टू पुअर वेस्कुलराइजेशन, पुअर ब्लड सप्लाई एंड लीड टू द प्रेशर अल्सर. आफ्टर दैट कैकेक्सिया. इट इज अ जनरलाइज्ड इल हेल्थ. है ना, जब पर्सन को कोई क्रॉनिक इलनेस है तो इलनेस की वजह से पर्सन को वीकनेस हो जाएगी, मसल वेस्टिंग हो जाएगी विच इज कॉल्ड एज कैकेक्सिया. तो इल हेल्थ और माल न्यूट्रिशन मार्क्ड बाय वीकनेस और इमेसिएशन. इट इज यूजली एसोसिएटेड विद सीरियस डिजीज सच एज कैंसर और एंड स्टेज कार्डियोपल्मोनरी डिजीज एंड स्टेज रिनल फेलियर. ठीक है, मतलब जो क्रॉनिक डिजीज है उसकी वजह से पर्सन को वीकनेस होगी और मसल एट्रोपी हो जाएगी. दैट में लीड टू द प्रेशर अल्सर. आफ्टर दैट कॉमन प्रेशर पॉइंट कौन कौन से हैं, इन सुपाइन पोजिशन, ऑसिप्यूट, स्कैपुला, सैक्रल रीजन, एल्बो, हील्स. एंड इन साइडलाइन पोजिशन, साइडलाइन जब पर्सन एक साइड में लेट जाएगा, है ना, ईयर, एक्रोमियन प्रोसेस, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ हिप, मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ नी, मेलियलस ऑफ एंकल ज्वाइंट. और अगर प्रोन पोजीशन है, प्रोन पोजीशन में क्या है, पेशेंट एब्डोमिन की साइड को लेटेगा, है ना, और जो हेड है दैट शुड बी टर्न टू वन साइड. तो ईयर्स में प्रेशर अल्सर हो सकते हैं, चीक्स, ब्रेस्ट इन फीमेल, जेनाइटल्स इन मेल, नीस और टोस. और इन सिटिंग पोजिशन में स्केपुला, सैक्रम, इशियम, बैक ऑफ नीज और सोल ऑफ फुट. आफ्टर दैट द प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर अल्सर. कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, असेसमेंट से. असेस टोटल स्किन कंडीशन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. है ना, दिन में एटलीस्ट दो बार स्किन कंडीशन पेशेंट की चेक करनी है. अगर इमोबिलाइज पेशेंट है, बेड रिडन है, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, ऐसे पेशेंट को दिन में दो बार स्किन चेक करनी है. इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइट फॉर एरिथमा. है ना, एंड एरिथमा रेडनेस के लिए चेक करना है. एरिया फॉर असेस एरिया ऑफ एरिथमा फॉर ब्लेचिंग रिस्पॉन्स. है ना, अगर कहीं पे एरिथमा प्रेजेंट है तो ब्लेचिंग चेक करनी है. ठीक है, आफ्टर दैट असेस पालपेट द स्किन फॉर इंक्रीज वार्म्थ. स्किन को पालपेट करके देखना है कैसा कूल है, वार्म है. इंस्पेक्ट द ड्राई स्किन, मॉइस्ट स्किन, ब्रेक इन द स्किन, नोट ड्रेनेज एंड ऑर्डर. आफ्टर दैट जनरल मेयर्स क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द पेशेंट हु आर प्रोन टू गेट प्रेशर सोर्स. है ना, ऐसे पेशेंट चेक करना है कि कौन से पेशेंट को प्रेशर अल्सर होने के ज्यादा चांसेस है. कौन से पेशेंट को होंगे, जो इमोबिलाइज होगा, जो मूवमेंट नहीं कर सकता, है ना, या जिसके मोटर फंक्शन इम्पेयर होंगे, सेंसरी फंक्शन इम्पेयर होंगे. डेली एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन ऑफ प्रोन
पेशेंट, कीप द पेशेंट क्लीन और ड्राई रखना है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए स्किन में। टू आवरली चेंज द पोजिशन ऑफ पेशेंट, मोस्ट कॉमन की जो भी इस टाइप का अगर आपको पेशेंट लगता है तो हर एक दो घंटे के बाद उसकी पोजिशन चेंज करनी है। यूज द बेड क्रैडल का यूज करना है ताकि जो लिनिन है उसका वेट पेशेंट के ऊपर ना आए। And lubricate the skin of the patient to prevent cracking. Then protect the damaged skin from urine, feces, sweat and etc. है ना, जो भी ये waste product है इससे जो damaged skin है उसको protect करना है। Maintain proper fluid balance and provide good diet. Massage करना है area में ताकि circulation अच्छा हो। And lift the patient when needed as in case of providing bedpan, जब भी ज़रूरत पड़े तो patient को lift करना है ना, मतलब उसको थोड़ा हिलाना है। Bed making should be done properly without wrinkle, because अगर wrinkle present होंगे तो उसका भी pressure bony prominences पे पड़ेगा। Use air mattresses अगर किसी मतलब pressure ulcers को prevent करने के लिए air mattresses या water mattresses का use कर सकते हैं, which may decrease the pressure on the pressure point. Maintain personal hygiene of the patient. Prevent friction of body with anything on the bed. है ना, कोई भी ऐसी चीज बेड पे नहीं होनी चाहिए जिससे फ्रिक्शन हो। यूज कंफर्ट डिवाइसेस टू टेक ऑफ वेट फ्रॉम द प्रेशर पॉइंट, कंफर्ट डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं ताकि प्रेशर पॉइंट के ऊपर वेट ना पड़े। एंड एनकरेज द पेशेंट टू मूव ऑन द बेड। आफ्टर दैट द ट्रीटमेंट, अब जिसको प्रेशर अल्सर हो गए हैं उसको क्या करना है ना, वैसे पेशेंट का क्या करना है। इफ एनी अर्ली साइन और सिम्टम इज सीन देन रिपोर्ट द फिजिशियन एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज, है ना, फिजिशियन को बताना है। टू आवरली पेशेंट की पोजिशन चेंज करनी है। एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। नॉर्मल सिलाइन इज यूज टू क्लीन द एरिया एंड अप्लाई ऑल पॉसिबल मेयर फॉर हीलिंग ऑफ द वुंड, सच एज हीट करना है उस एरिया को, जैसे कि एग्जांपल दिया है 150 वोल्ट बल्ब फॉर 10 मिनट दैट इज प्लेस 45 टू 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वुंड। फ्यू ड्रॉप ऑफ इंसुलिन आर ड्रॉप्ड ऑन द वुंड एंड देन अलाउड टू क्लीनर ड्राई एंड फिल द अल्सर कैविटी विद ग्रेनुलेटेड शुगर एंड ऑल्सो अप्लाई द जिंक ऑक्साइड दैट इज वाटर प्रूफ ऑइंटमेंट द वुंड सरफेस टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट अप्लाई करना है। इफ स्लज इज प्रेजेंट, अगर स्लज प्रेजेंट होगा देन क्लीन द एरिया ट्वाइस अ डे विद हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ उसको क्लीन करना है। एंड इफ द वुंड इज इन्फेक्टेड, अगर इन्फेक्टेड है तो एंटीबायोटिक्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। कम्फर्ट डिवाइसेस कैन ऑल्सो बी यूज एंड मैट्रेसेस आइदर एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस मस्ट बी अरेंज्ड ऑन द बेड। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक।